हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी का CSR नेट का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बाद जो आपको सबसे बड़ा डाउट आ रहा है वो यही आप बार बार पूछ रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। तो आज की मेरी वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपका रिज़ल्ट कब आ सकता है और क्या उसकी एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम रिज़ल्ट की बात करते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो आप देखेंगे आपका रिज़ल्ट का जो पूरा प्रोसेस होता है वो 4-5 स्टेप्स में होता है। उसमें देखिए, पहला तो ये कि आपका एग्ज़ाम मतलब हो गया, फिर सेकंड आपकी रिस्पॉन्स शीट आती है, फिर थर्ड इसकी आंसर की आती है, फिर फोर्थ इसका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट में आपका मतलब PDF आती है रिज़ल्ट की, और साथ में कट ऑफ आती है, और फिफ्थ फिर आपका रिज़ल्ट भी डाउनलोड हो जाता है। वो उस दिन भी हो जाता है और अगले दिन भी हो जाता है, जिसमें आपके मार्क्स भी होते हैं। पर उसके 2-3 दिन बाद आपके रैंक विद रिज़ल्ट आ जाता है, या 1 वीक बाद तक आपका रैंक विद रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहता है, यानी 4-5 स्टेप होते हैं। पहले आपकी रिस्पांस की आएगी, फिर आपकी आंसर की आएगी, और फिर आपकी PDF वाला रिज़ल्ट आएगा, और फिर आपका फाइनल रिज़ल्ट विद रैंक आएगा। तो ये आपका स्टेप है रिज़ल्ट के। तो अगर देखिए, अब मैं इसे डे वाइज बताऊँ कि कैसे लास्ट ईयर क्या ट्रेंड रहा है, और या मतलब अगर हम पिछले 2-3 साल को देखें तो क्या ट्रेंड रहा है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो आपकी सबसे पहले रिस्पांस की है वो आपकी 7 to 10 days के अंदर आ जाती है, और अगर आप मैक्सिमम देखें तो 15 days के अंदर आपकी रिस्पांस की आ जाती है, यानी आपका सबसे पहले रिस्पांस की आएगी। तो पहला स्टेप है, यानी अगर मैं कहना चाहूँ, अगर आपकी रिस्पांस की, आपका पेपर अगर 7 को हुआ है, तो आपकी रिस्पांस की आपको 20 या 25 तक श्योरली मिल जाएगी। फिर उसके बाद आती है आपकी आंसर की, तो आंसर की भी ऐसी 15 to 20 days लगाती है, और मैक्सिमम आप 25 days लगा लीजिए। तो अगर आपके आंसर की बात करें तो आपकी जून लास्ट तक आपको आंसर की मिल जाएगी, या इसे भी आप 25 या 30 जून मान लीजिए। फिर अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ आपकी, जिसमें आपके PDF आती है और साथ में आपका क्या कहते हैं कट ऑफ आती है, तो देखिए वो रिज़ल्ट आपका आने में आपका मिनिमम 1 month लग जाता है। और कभी कभी क्या करते हैं, काफ़ी लेट भी कर देते हैं, 40 days या 45 days लगा देते हैं। पर अगर 1 month ही मान के चले तो आपका जो रिज़ल्ट है वो इस हिसाब से जुलाई 2nd week या 1st week के अंदर आएगा। तो ये ऐसे आपका रिज़ल्ट रहेगा, और उसके बाद जो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा, फाइनल रिज़ल्ट जिसमें आपके रैंक विद क्या कहते हैं मार्क्स होंगे, वो आपका 3 दिन बाद या 1 week के अंदर आ जाता है। और उसके बाद हाँ, एक और स्टेप है जो मैं भूल गया, वो ये कि आपका सर्टिफिकेट कब आता है। तो देखिए, उसके बाद सर्टिफिकेट के लिए आपको फिर 1 month लग जाता है। तो सर्टिफिकेट आपका यानी अगस्त के स्टार्टिंग तक या जुलाई लास्ट तक आ जाएगा, और CSR वालों का थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, देन वो वेरीफाई होते हैं, और फिर उसके बाद आपके सर्टिफिकेट जनरेट होना स्टार्ट करते हैं। पर UGC के लिए आपका जो रिज़ल्ट है या सर्टिफिकेट है वो आपका बहुत टाइम पे आपको मिल जाता है, और अगस्त के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन लगाएं तो अगर आपको पूरा ओवरऑल रिज़ल्ट जानना है, जो मेन आपका रिज़ल्ट है, वो आपका जुलाई 1st week या 2nd week तक आराम से आ जाएगा, और एक्सपेक्टेड डेट यही 10 to 15 के बीच में आप मानिए जुलाई की। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग आपने पूछे हैं। एक तो ये कि क्या आप इस रिज़ल्ट से आने वाले सेशन में PhD कर सकते हैं। तो यस, हाँ श्योर, आप PhD कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका रिज़ल्ट जुलाई तक भी आ जाता है तो सारे फॉर्म आपके अगस्त सितंबर में ही भरते हैं, तो आप उन्हें भर लेंगे, और उसी रिज़ल्ट के बेसिस में आप इंटरव्यू भी दे देंगे, और अपना एडमिशन आप ले सकते हैं जनवरी सेशन के लिए। सेकेंड, आप कट ऑफ पूछते हैं, तो देखिए कट ऑफ और अपना एग्ज़ाम रिव्यू मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा। कि जो भी मेरा मत है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल श्योर ऐसे ही आएगा कट ऑफ, बस ये मेरा एक अपना एनालिसिस है। आपका जितना भी बन रहा हो मार्क्स, उस पर आप भरोसा रखिएगा, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप उसको ही सही मानिए। पॉइंट है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि अब उनको नेट के पेपर के बाद क्या करना चाहिए या किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कौन से एग्ज़ाम है जो आपको टारगेट करने चाहिए। पर फिर भी मैं शॉर्ट में कहूँ तो आप देखिए, बहुत से गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जो आप जनवरी से मार्च के सेशन के बीच में आएंगे, या सॉरी जनवरी से जून के सेशन के बीच में आएंगे, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं, लाइक पेटेंट ऑफिसर, UPSC जियो साइंटिस्ट और बार के एग्ज़ाम। तो आप इन्हें टारगेट करके गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकते हैं, और बाकी अगर PhD में आप जाना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी आप अगर सितंबर में इंटरव्यू देखें, या उस समय आप फॉर्म भर के इंटरव्यू देंगे, तो आपके कंफर्टेबल होगा, आप आराम से एडमिशन लेंगे, यानी आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं ड्यूरिंग इस ब्रेक में। और आप मैं तो ये कहूँगा कि आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए इंटरव्यू के लिए, ज़्यादा बेटर रहता है।
आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, और बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक